था, मैंने 2009 में नौकरी छोड़ दी। IBPS के तो क्लरिकल में सिलेक्टेड है या ग्रामीण बैंक के पीओ में सिलेक्टेड है, उनके एस्पिरेशंस और बड़े होने चाहिए कि एज अ पीओ में सिलेक्ट हो जाऊं या एज अ SBI पीओ में हो जाऊं। पहले मैं गाइडली का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एज अ गेस्ट हमें यहां पे बुलाया। टीचिंग के साथ साथ हर साल एज अ एस्पिरेंट कह के मैं एग्जाम के लिए जाता हूँ, तो इस साल जितने भी मेंस हुए मैं मेंस देखने के लिए जाता हूँ। रीजन भी वो पेपर बाहर आता नहीं है, तो एज अ एस्पिरेंट किसी स्टूडेंट के साथ में स्क्राइब हो या जहाँ पे एज लिमिट पॉसिबल है वहाँ पे मैं खुद एज अ एस्पिरेंट जाता हूँ पिछले काफ़ी सालों से। तो आपका SBI PO मेंस है, IBPS PO मेंस है, अलग अलग जितने भी मेंस अभी भी FCA का मेंस था, वो पूरे एग्जाम मैंने अपीयर किए हैं। तो टू स्टार्ट विथ, सबसे पहले मैं गाइडली का भी अभिनंदन करना चाहूँगा। रीजन बिंग ऐसे प्रोग्राम जरूरी होते हैं स्पेसिफिकली ऑफलाइन मोड पे। एक तारीख को जैसे रिजल्ट आया था, हमने 7 तारीख को एक फेलिसिटेशन दिया था औरंगाबाद में, कुछ 840 और सिलेक्शन थे हमारे, उसमें से 250 स्टूडेंट वहाँ पे फेलिसिटेशन के लिए आए हुए थे। तो अभी गोकुल सर को या सुकुमार सर को, प्रदीप सर को लगता हो कि ये इतनी सिलेक्शन हमारे है या ये सिलेक्शन हमारे है, वो नहीं है। रीज़न जो 840 मेरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पढ़ा मराठी में है, बट कंटेंट के लिए मोर देन 95% स्टूडेंट हैज़ यूज्ड वन ऑफ द सोर्सेस गाइडली, तो वो भी आपके ही सिलेक्शन से। तो कंटेंट के लिए ऑफलाइन स्टूडेंट जो है ज़्यादातर यहाँ तक आते हैं, और ऐसे इवेंट का होना ज़रूरी है क्योंकि किस स्टूडेंट को कौन से एंगल से कहाँ से मोटिवेशन मिल जाए पढ़ाई के लिए वो पता नहीं होता है। तो इसलिए बीइंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गाइडली ने फर्स्ट टाइम ऐसा कोई प्रोग्राम अरेंज किया है, तो इसलिए गाइडली का धन्यवाद। जिस स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, देखिए कैसा होता है कि एक पढ़ाई का फ्लो होता है, आपका कभी भी एक रिजल्ट नहीं आएगा। IBPS PO का रिजल्ट आया बस वहाँ पर मैंने मेरी प्रिपरेशन बंद कर दी, ऐसा कभी नहीं होगा। अभी आपका जो फ्लो है, उन फ्लो के दौरान मैं 7 बैंक्स में एज अ PO, 7 बैंक्स में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया 2 बार, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक, IOB, BOB, ये अलग अलग बैंक्स में 7 बैंक्स के PO के सिलेक्शन थे। इनफैक्ट मैं काफ़ी प्राचीन काल का हूँ, IBPS के पहले जब अलग अलग इंडिविजुअल बैंक्स एग्जाम लेती थी, इंडिविजुअल बैंक्स की एग्जाम होती थी 2010 से, सो 2010-11 मैंने तभी एग्जाम सब अलग अलग अपेयर की। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस की एग्जाम देती, SSC CGL की एग्जाम देती। जब आपका फ्लो होता है ना, उस फ्लो में ही आपके कंटिन्यूस रिजल्ट आ जाते हैं। अगर यहाँ पे कोई IBPS PO है, SBI PO है, द डे आपका फ्लो ब्रेक हो जाता है 6-8 महीने का बाद में, आप ये होता है कि क्रिटिकल की एग्जाम भी पास कर पाना मुश्किल होता है। तो अभी आपका फ्लो है, उस फ्लो में जो स्टूडेंट एज IBPS के थ्रू क्लरिकल में सिलेक्टेड है या ग्रामीण बैंक के PO में सिलेक्टेड है, उनके एस्पिरेशंस और बड़े होने चाहिए कि एज अ PO में सिलेक्ट हो जाऊँ या एज अ SBI PO में हो जाऊँ, एज अ IBPS PO में हो जाऊँ, या एज अ RBI के केस में असिस्टेंट हो जाऊँ, RBI के केस में ग्रेड भी हो जाऊँ, NABARD ग्रेड हो जाऊँ, तो ये फ्लो में ही वो पॉसिबल है। तो आपको आपका फ्लो कहीं पर भी ब्रेक नहीं करना है। सो विथ आपका सिलेक्शन हुआ है, बट जिस फ्लो में आपके रिजल्ट आते हैं उस फ्लो को आपको बरकरार रखना है, ये पहला मैं उनको सजेस्ट करूँगा। सो आई वॉज वर्किंग इन ICICI बैंक इन ट्रेजरी डिपार्टमेंट ओनली, तो वहाँ का जॉब जो है वो काफ़ी अलग होता है। अभी तक बैंक में 5 days a week नहीं है, मैं 2008-09 में बैंक में जॉब कर रखा हूँ। कॉरपोरेट का कैलेंडर अलग चलता है, तो 5 days a week होता है। आपने माइंड भी प्राइवेट बैंकिंग केस में सुना हो कि काफ़ी लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं। ट्रेजरी के वर्किंग आवर्स 9 बजे मार्केट खुलता था, तो 8:45 बजे जाना पड़ता था, 5 बजे मार्केट बंद होता, 5:30 बजे सब बाहर। मुझे किसी भी सैटरडे संडे बीइंग इन ICICI बैंक मुझे जाना नहीं पड़ा वीकेंड को, या वीकेंड को कोई ट्रेनिंग नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। और विद दैट ट्रेजरी डीलर के लिए काफ़ी बड़े बड़े इंसेंटिव बैंक में होते हैं। सो ये सेकेंड पड़ाव में आएगा कि अगर आपकी एक बार ऑर्गेनाइजेशन फिक्स हो गई कि ये ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे मुझे 30-35 साल बिताने, तो वहाँ पे प्रमोशन की अलग अलग एग्जाम वहाँ पे हम ट्राई कर सकते हो। सो एक अच्छा करियर ऑप्शन आपके पास में विद द बैंक जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए। तो देखो, अगर आप बैंक एग्जाम को या इन एग्जाम को अच्छे से पिछले 10-15 सालों से ट्रैक कर रहे हो, तो आपको एक स्पाइक दिखेगा। इनफैक्ट मुझे दिखा था 2008 और 9 में, दिखा था, मैंने 2009 में नौकरी छोड़ दी क्योंकि वो स्पाइक मुझे दिखा था। मैंने 2010 में इंस्टीट्यूट स्टार्ट की, स्टार्ट करने के बाद में फिर से वो डाउन रहा, थोड़ा सा डाउन नहीं कम रहा, और एक बड़ा स्पाइक फिर से आ गया 2013-14 में, फिर से 14 के बाद में 15-16-17 ठीक ठाक चला, देन फिर से एक स्पाइक आया 18-19 में। 18 और 19 के एग्जाम आपको पता है, अलग अलग रेलवेज ने
एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरसी ग्रुप डी, रेलवे के असिस्टेंट लोको पायलट की एग्जाम, जेई की एग्जाम, ये अलग अलग एग्जामिनेशन 2019 में ही थी और लाखों वैकेंसीज थी। बैंक का था उसी साल 2019 में, एफसीआई का था अभी से पहले, देन ईएसआईसी का था, ईपीएफओ का था। ये आप बताइए कि 2008-09, 13-14 देन उसके बाद में 18-19 में ये स्पाइक आने के पीछे का रीजन क्या है इलेक्शन? सो 18-19 के बाद में अगर हम आगे चल के देखें तो वो वाला स्पाइक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 22 के एंड में, सॉरी 23 के एंड से लेके 24। यहाँ आने से पहले मुझे गाइडली के बाकी कामों के बारे में पता नहीं था। कल हम जब एयर इंडिया के फ्लाइट से आ रहे थे तो मैंने निखिल सर को बोला, हम साथ में ही आ रहे थे, कि बाकी कुछ भी हो कि एयर इंडिया से आते वक्त एक प्राउड फीलिंग होती है, रीजन बिंग बाकी किसी भी फ्लाइट से ज्यादा एयर इंडिया में सर्विस तो अच्छी मिलती है वहाँ पे, बट अगर कुछ इक्का दुक्का नीचे ऊपर हो जाए तो एयर इंडिया के केस में वो चल जाता है। ऐसा होता नहीं है बट एयर इंडिया के केस में भी आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहता है। उसने उन्होंने बोला क्यों, बोला वो टाटा का ब्रांड है, टाटा का ब्रांड है, और कुछ पैसे आप टाटा को देते हो तो उसमें से मैक्सिमम पार्ट जो है वो सोसाइटी को वापस जाता है। तो कुछ ऐसा ही फीलिंग जो मुझे कल टाटा के बारे में आया था, ये सब वीडियो देखने के बाद में मुझे आज वो फीलिंग आया कि मैक्सिमम पार्ट स्पेसिफिकली स्टूडेंट का फीस रिफंड हो या गिव अवे वाला पार्ट हो, काफ़ी अच्छे से उन्होंने बढ़िया किया और काफ़ी इनोवेटिव पार्ट कुछ कुछ ऐड किया है, जैसे कि बंडेड पीडीएफ वाला पार्ट। मुझे लगता है कि वो फर्स्ट सच एक्सपीरियंस होगा, एक्सपेरिमेंट होगा बंडेड पीडीएफ वाला, तो एक अच्छा एक्सपेरिमेंट था। बच्चे काफ़ी ज़्यादा जिनके बैचेस खत्म होने के बाद में फ्लो चाहिए होता है 50-50 दिनों का, एक अच्छा फ्लो वहाँ पे आता है। बट गाइडली के केस में अभी नहीं, पिछले 2-3 सालों से मैंने जब सबका वीडियो देखा था एज अ पैनलिस्ट, तो वहाँ से लेके वो स्केलेबल हो या नहीं हो गाइडली ने वो किया।